आपको कितने रुपए की भैया? 200 की भाई, कोई सी भी लीजिए, सेल लगा रखो। देखिएगा यहाँ आगे तो अच्छे अच्छे ब्रांड मिल जाएगा, जूतों की अच्छी मिल जाएगी। तो थंबनेल में तो देख लिया होगा किस बारे में वीडियो आने वाली है। अभी हम जा रहे हैं जगह, तो सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं रेडी हूँ जाने के लिए, मगर बूढ़े भैया का इंतजार हो रहा है तो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर फोन किया अभी बोले 15 मिनट में आ जाएंगे। देखते आगे बड़ी जल्दी आए, 15 मिनट हो गए हैं, इसमें बोला था मैंने अभी आ जाना। तो ये है हमारे आज की वीडियो का पहले किरदार, इसका नाम है भूरे भैया उफ विनय चौधरी। और दूसरे किरदार की बात करी जाए तो आप तो जानते ही हैं, ये है गोरा पांडा। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आंखें देखो कैसी मेहंदी मेहंदी जो रखी है। कहाँ Anything I say will come off as wrong, and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपने शोर बाजार में, और थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कैसे बार्गेनिंग करते हैं और कुछ चीजें हैं जो अलर्ट रहनी चाहिए। मोबाइल बैग आगे रखिए अपना, और बुरे भैया से पूछिए आज चीजें। आप भी अपने बार्गेनिंग कर सकते हैं अच्छी तरह, आपको बहुत ज्यादा प्राइस बताएंगे, 800 रूपए, 900 रूपए, लेकिन आप 200 रूपए या 300 में आप दे देंगे आपको शूज वगैरह ओरिजिनल। चलिए दिखाते हैं आपको मतलब कैसे कर सकते हैं और कैसे लेते हैं। और सही कितने का लगाओगे? पहले आप बता दो तो सही तो आ ही जाएगा। 500 लास्ट है। तो भाई आपने देखा हमें ये लेना नहीं है। यहाँ पे फीफा की आपको टी शर्ट उतरी हुई रोनाल्डो को मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। रूनी भी मिल जाएगी आपको। कितने के भैया? कोई भी आप जिम वर्कआउट किया भी टी शर्ट ले सकते हैं। जिम वर्कआउट कितने रुपए की भैया? 200 की भाई, कोई सी भी लीजिए, सेल लगा रखे। 200 कोई सी आप लीजिए, आप ले सकते हो कोई सी भी ले लीजिए, प्लेन ले लीजिए, चेक ले लीजिए। कपड़े सब कॉटन के अंदर भाई, लेस कॉटन है, रियन कॉटन है, मैटी कॉटन है भाई। अच्छे से भी धोने के बाद मतलब वॉशिंग की जगह ये ऑलरेडी वॉश होकर आती है। कोई सी भी लीजिए भैया, कलर कैसा है वैसे ही है। 200 रुपए के अंदर आपके 200 वसूल हो जाएंगे आपके पूरे। बिल्कुल मुनासिब भाई, कम से कम रेट है। आप दर्जी के पास जाएंगे ना, वो सिलाई भी नहीं करेंगे 200 और हाथ सब MLXL जो भी आपको। तो ठीक है, तो यहाँ से ले लीजिएगा, अगर आपको चाहिए होंगे तो बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। वे कितने की टोपी थी? 100 रुपए कोई सी भी। देखिए गाइस यहाँ से भी आप कैप ले सकते हैं अगर आपको क्रिकेट विकेट खेलने का शौक। लड़कियों के क्या कहेंगे, तो आप चलिए आ सकते हैं। भैया कितने रुपए के? कोई सी भी यहाँ 100 रुपए की ले सकते हैं आप।
हमारे बुरे भैया देख रहे हैं अभी कौन सी ले। तो ये तो हम बाहर बाहर से जा रहे हैं, अभी बाहर बाहर से जा रहे हैं हम तो यहाँ से चांदनी चौक के चोर में जाएंगे दरियागंज। यार मैं भूल जाता चांदनी चौक की याद आ जाती है। बैंड भैया बैंड कैसी थी? कोई सी भी कितने कोई सी भी। तो यहाँ से आप ले सकते हैं पैंट भी और यहाँ व्हाइट शर्ट भी मिल जाएंगी। ये तो आगे चलते देखते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल पैंट मिल जाती है हर साइज में, मतलब किसी के लिए भी मीडियम लार्ज। तो भैया देख रहे हैं हटो यहाँ कितने का है ये फिक्स रेट। तो 400 रुपये मिल जाएगी आपको यहाँ पर, कोई सी भी फिक्स रेट है यहाँ पर कम नहीं होता। तो भैया हर साइज की मिल जाती है यहाँ पर मीडियम लार्ज एक्सल। तो आपको यहाँ से अगर लेनी हो ज़ारा की पैंट तो जरूर आइएगा। तो हम चलिए आगे चलते हैं। भैया कितने रुपए के? 200 रुपए के। कोई सी भी लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। बड़ा दम लगा रहा है भैया जी अपना। इसे कहते हैं पावर। कितने का बता? 3500। 3500 के यहाँ पर बैग मिल जाते हैं कहीं टूरिस्ट के लिए, अगर आपको ले जाने हो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ के परफ्यूम से ले सकते हैं। भैया कितने के हैं? 150 रुपये के। और ये पावर बैंक मिल जाएंगे आपको, और ये बहुत सा सामान मिल जाएगा। ये वी एक्स बॉक्स मिल जाएगा, स्पीकर्स मिल जाएंगे, आगे बहुत है। वे लीड कितने की होंगी? ये 100 रुपये की। तो देखिएगा अगर यहाँ आगे तो अच्छे अच्छे ब्रांड मिल जाएगा, जूतों की अच्छी मिल जाएगी। ये तो आगे देखते हैं। यहाँ सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर बैट मिल जाएंगे आपको और बहुत सारी ब्रांड चीज़ें, सेकेंड हैंड 100,000 का माल, जूतों की जगह जूते ही जूते मिलेंगे आपको यहाँ पर। और ले सकते हैं आप यहाँ पर आके जूते। तो हमारा जो 4,000 का सारा सीन था वो सारा खत्म हो गया। अब हम जाएंगे कौन सा चौधरी मार्केट, तो उससे पहले थोड़ी भूख लगी है, अगर हम खाएंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे। फिर हमारे बुरे भैया दवाई खा रहे हैं बेसर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं बताऊंगा घर जाके क्यों क्यों मैंने ज्यादा से ज्यादा 4,000 का व्लॉग डाला। तो देखते रहिएगा लास्ट में देख लेना। तो दोस्तों एक तो पहली चीज़, मैं पूरा ब्लॉग नहीं डाल पाया, आपने देखा होगा हमें कुंचा चौधरी मार्केट जाने वाला था मगर गया नहीं क्योंकि कुछ सीन हो गया, क्योंकि संडे था तो वहाँ पर मार्केट बंद निकली। तो मार्केट बंद निकली तो फिर फायदा क्या था हमारे रहने का, तो इसलिए मैं घर आ गया वापस। तो जो मैं आपको बताया था मैं फुल डिटेल्स में बताऊँगा आपको कि क्यों चौधरी चौर बाज़ार में क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ आप अपना बैग आके रखें, फ़ोन संभाल के रखें, सतर्क रहें क्योंकि वहाँ चोरियाँ बहुत होती है और तो एक चीज़ और, मैंने वीडियो पूरी नहीं डाली, मैंने कुछ टैग की चीज़ें नहीं डाली जो वहाँ पर मुझे डालनी चाहिए थी, मगर वहाँ पर जो लोग हैं वो अलाउ नहीं करते क्योंकि उनका बहुत चीज़ें कम हो चुकी हैं, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरी डालूंगा। और अगला व्लॉग में कुंचा चौधरी मार्केट में लगूंगा जहाँ आपको कैमरे बहुत चीप रेट में मिल जाएंगे DSLR, तो देखिएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी, कुछ चीज़ें मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ जैसे कि ये इसे मंगाया था मैंने अमेज़ॉन से।
ट्राइपॉड, ये आपके काम पे आ सकता है ब्लॉगिंग के लिए और टिकटॉक वीडियोस के लिए जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। तो आपके साथ इसके साथ मिलेगी दो चीज़ें, एक तो ये जो नीचे का ग्रिप पकड़ने के लिए और एक मिलेगा माउंटर। तो इसको हम दोनों को पहले ज्वाइन करेंगे, फिर इसमें मोबाइल अटैच करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसमें ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं चलता हूं, चला रहा हूं। तो करेंगे अब मैं इसमें करूँगा फ़ोन अपना माउंट, फिर उसके बाद दिखाते हैं कैसे होती है ब्लॉगिंग का, मतलब क्या एंगल दिखता है और क्या है, अच्छा है चीप रेट में आप इसको मंगा सकते हैं। तो देखिए वही पर लग चुका है, देख सकते हैं आप कितना हल्का है और ब्लॉगिंग के लिए बहुत सही है। तो आप जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो इससे आएगा फ़ोन से, तो आपको बताऊंगा मतलब क्या क्या है। तो देखिए तो ये तो गाइस अब आप जो मेरा एंगल देख रहे हैं वो इस कैमरे से, और बताइएगा मतलब कैसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल सही है या नहीं है। बहुत चीप रेट में आप इसे बाय कर सकते हैं अमेजोन से, बाय कीजिए। अरे अरे भैया एंगल चेंज है, तो आप जल्दी देखिए, तब तक मैं दिखाता हूँ आपका दूसरी चीज़। तो चलते हैं दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ दिखाऊंगा आप, मैं उसको बोलेंगे माइक है ये रहा। तो इसे मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, आप इसे मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने इसे पहले थोड़ा अनबॉक्स कर लिया था, तो मतलब पहले यूज़ कर रखा है मैंने ये। तो अब मैं एक बार इसको दिखाऊंगा आपको, फिर जल्दी से बताना आप कैसा लगा। तो चलिए हम लगा के दिखाते हैं मेरी इस आवाज़ को और इसके लगाने के बाद डिफरेंस बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लगा के एक बार देखते हैं जल्दी से। तो इसके साथ एक क्लिप भी मिलेगी, तो हम इसको लगाएंगे अपने कॉलर पे, साइड में यहाँ पर लगा सकते हैं और फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे इसमें। तो जो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो तो बिना माइक के, अब तो हम इसको माइक लगाने के बाद देखते हैं क्या जादू होता है, डिफरेंस देखते हैं। तो ये आबरा का डाबरा। आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो सारी माइक से आ रही है, और आप बताइए कमेंट करके कैसी आवाज़ आ रही है। अगर क्लीन आ रही है तो मैं वीडियो से मतलब आगे बनाऊंगा भी, और ब्लॉगिंग के लिए भी थोड़े यूज़ कर लूँगा, और क्या, और तो क्लीननेस चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अपनी ऑडियो पर क्लीन करो, अपने ऑडियो पर काम करो, ऑडियो पर काम करो। तो छोड़ो बेकार की बातें, आपकी मर्जी आप किस पर वीडियो बनाए, मगर आपको अगर चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी है डिस्क्रिप्शन वहाँ जाके देखिए और क्लिक कीजिए और लीजिए, और अपने आराम से जो करना है वो बनाइए। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक ना हमें बहुत मोटिवेट करती है। कम से कम 100 लाइक्स की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपका दोस्त गौरव पंडित, बाय।